फिर उसी तरह आई होगी। जाकर देख लोगे क्या चाहिए उसे। मामा तुमने 50 पैसे दे दो। 50 पैसे तो होंगे तुम्हारी जेब में, होंगे तो सही, उनके पैसे में से बचे नहीं। मैंने सिर्फ 5 पैसे खर्च किए अपने पर इस अखबार के। बैठ तू। मामा कहाँ है? उधर होगी रसोई घर में। मामा क्या हाल है? ठीक है। चलेगी? अभी नहीं, पहले वहां दोनों गुसल खाने में जाकर सारा जिसमें इस तरह चिपचिपा हो रहा है कि बस। इतनी आंखें कैसी हो रही है? कैसे हो रही है पता नहीं, कैसी हो रही। तुम्हें तो ऐसे ही लग रहा है। मैं अभी आती हूँ वहां। तो मुझे तो ये उसी तरह आई हुई लगती है। चले, इस बार कुछ सामान भी नहीं है साथ में। हो सकता है थोड़ी देर में आई हो। में से 1 रुपए था, स्कूटर रिक्शे का पूरा किराया भी नहीं। क्या पता कहीं और से आ रही हो। तुम बात को हमेशा ढकने की कोशिश क्यों करती हो? एक बार पूछती क्यों नहीं इससे खुलकर? क्या पूछूं? ये मैं बताऊंगा तुम्हें। मेरी उस आदमी के बारे में कभी अच्छी राय नहीं थी। तुम ही ना वहाँ बात लगी थी कि मानो ये है वो है, जाने क्या है। तुम्हारी शह से उसका आना जाना घर में शुरू ना होता तो क्या ऐसी नौ बताती कि लड़की उसके साथ जाकर बात में इस तरह? तो तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेते जो वो पूछना चाहते हो? मैं कैसे पूछ सकता हूँ? क्यों क्यों नहीं पूछ सकते? मेरा पूछना इसलिए गलत है कि तुम्हारा तो कुछ भी करना किसी न किसी वजह से गलत होता है। मुझे पता नहीं। तुम्हें सब पता है। अगर सब कुछ करना मेरे करने से होता ना इस घर में तो पता नहीं और क्या क्या बर्बादी हुई होती। जो तो रोटी आज मिल जाती मेरी नौकरी की वजह से वो भी ना मिल पाती। लड़की भी घर पर रहकर रह जाती पर किसी ने ये ना सोचा होता कि वो आ गई। ठंडे पानी के छींटे मुंह पर मारे तो कुछ होश आया। आजकल के दिनों में तो बस क्या बात है मामा, आप लोग इस तरह क्यों देख रहे हैं मुझे? मैं प्यारे लड़कर आ रही हूँ घर से। क्या बात है दीदी? बात कुछ नहीं है। है तो सही कुछ ना कुछ बात। ऐसे ही तेरी मामा कुछ कह रही थी। क्या कह रही थी? मतलब वो नहीं, मैं कह रहा था उससे। तेरे बारे में बात कर रहा था। क्या बात कर रहे थे? वो आ गई है, खुद ही बता देगी तुझे। कहती मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे मामा? उन्हीं से क्यों नहीं पूछती? वो कहते हैं तुम बताओगे, पर तुम कहती हो उन्हीं से क्यों नहीं पूछती? तेरे डैडी कैसे से कितना जानना चाहते हैं कि अगर तुम अपनी तरफ से नहीं जानना चाहते हो रहने दो बात। बात ऐसे क्या है जानने की? बात सिर्फ इतनी सी है कि जिस तरह से तू आजकल वहां से यहां आती है उससे नहीं लगता है कि जैसे तुम्हें नहीं लगता। क्या क्या लगता है कि कहीं कुछ है तेरे मन में जो तू हमें नहीं बताती? मेरी किस बात से ऐसा लगता है? अब पूछो ना वो सब इससे जो मुझसे कह रहे थे। बात तुमने शुरू की है, तुम ही पूरी कर डालो। मैं तुझसे एक सीधा सा सवाल पूछ सकती हूँ? जरूर पूछ सकती हूँ। तू वहाँ खुश है? हाँ खुश। सचमुच खुश है? और क्या ऐसा ही कह रही हूँ? ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। तो जवाब क्या तभी होता अगर मैं कहती मैं खुश नहीं हूँ, बहुत दुखी हूँ। आदमी जो जवाब दे वो उसके चेहरे से भी झलकना चाहिए। मेरे चेहरे से ऐसा कैसे लगता है कि मुझे तपेदिक हो गया है? मैं गुलगुल कर मरी जा रही हूँ। एक तपेदिक भी होता है आदमी को तो और क्या होता है? आपसे दिखाई देना बंद हो जाता है, नाक-नाक पे चढ़ जाते हैं, होंठ पर गिर जाते हैं। मेरे चेहरे से ऐसा क्या लग रहा है? तेरी माँ ने तुझसे बात की तो उसी से बात कर, मैं तुम्हारी पढ़ता ही नहीं इन चीजों में। अच्छा छोड़ा इस बात, आगे से सवाल नहीं पूछूंगी मैं तुझसे। पूछने में रखा भी क्या है मामा, जिंदगी किसी तरह कटती जाती है। ये हुआ ना कोई जवाब। तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते? मैं क्या कह रहा हूँ, चुप ही तो बैठा हूँ यहाँ। नाले का बांध पूरा करने के लिए 12 साल के बच्चे की बली। आप चाहे जो कुछ कहना है मेरे मुंह से एक लफ्ज भी ना निकले। उदयपुर के मड्डा गांव में बांध के ठेकेदार का मानसिक हद होती है हर चीज की। लगता था मैं मनोज को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, पर अब आकर लगे
ऐसा कुछ नहीं, इस लिहाज से बहुत साफ आदमी हूँ। तो केस के स्वभाव में भी ऐसी बात है जिससे? स्वभाव तो उसका हर आदमी जैसा, बल्कि आम आदमी से भी ज्यादा कुछ तो कहना चाहिए। तो फिर यही तो मैं भी नहीं समझ पाती, पता नहीं कहाँ पर क्या है जो गलत है। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक है? ठीक है। सेहत? बहुत अच्छी। सब अच्छा ही अच्छा है, तो शिकायत किस चीज की? वो इस वक्त तुमसे बात नहीं कर रहे हैं। मेरा
कहा ना, अभी हो जाता है। तुम उठ रहे हो या मैं जाऊं? जा रहा हूं।